अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि पुलिस द्वारा उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिसके चलते शहर पुलिस द्वारा आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल के निर्देश के अनुसार शिकायत निवारण शिविर चलाया जा रहा है। कई मामलों में सबूत एवं परिस्थिति की उपलब्धता न होने के कारण कई लोगों की शिकायत संज्ञान में नहीं ली जाती है। सीधे तौर पर बोला जाए तो पुलिस स्टेशन में जनता के कई मामले प्रलंबित पड़े हुए हैं, जिसके मद्देनजर शहर पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है, जहां शिकायत निवारण शिविर के माध्यम से शहर के 33 पुलिस स्टेशन में विशेष समय देते हुए प्रलंबित मामलों पर कार्य किया जा रहा है, जिसका जायजा लेते हुए आज आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने जरीपटका पुलिस स्टेशन में जनता और पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आज नागपुर के तकरीबन सभी पुलिस स्टेशन में तकरार निवारण शिविर का आयोजन किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से। आज हम यहाँ जरीपटका पुलिस स्टेशन आए, जहाँ पर जनता की आवाज सुनने के लिए, जनता की शिकायत सुनने के लिए खुद नागपुर के पुलिस कमिश्नर श्री डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी आए। आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं और किस तरीके से उनके ऊपर में हल निकाला जा रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं सर से। सर, किस तरीके की शिकायतें लेकर के आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, किस तरीके का शिविर निवारण का एक आयोजन किया गया था? देखिए, आज हमने तकरार निवारण जो भी है लोगों की, जो काफी समय से प्रलंबित रही हो या किसी का केस ठीक से नहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज पूरे कमिश्नर में ऑर्गेनाइज किया है। और उसके मद्देनजर लोगों के अलग अलग टाइप के कंप्लेंट्स हैं, जैसे अभी अभी जो कंप्लेंट है वो उनके घर के सामने कचरा डालते हैं और काफी टाइम से, तो या फिर लैंड मैटर्स है, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, इस तरह से अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स आ रही है और कुछ क्रिमिनल मैटर्स भी हैं, तो उन सबके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से बोला जाता है कि बहुत से एरिया में कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स लोग, प्रवृत्ति के लोग रहते ही है, जो कि यहाँ पर लोगों को नहीं बता सकते, तो क्या शिविर में इस तरीके की कई शिकायतें आप तक के पहुंची है कि लोगों ने अपने आजू बाजू में रहने वाले लोगों की कंप्लेंट्स किस तरीके से की हो? देखिए, वो भी अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो लोग भी आएंगे कि किसी के साथ में कोई छेड़खानी हो रही है या फिर कोई तकलीफ दे रहा, कोई क्रिमिनल है जो कि जिसके एरिया, जिसकी वजह से लोगों को कंप्लेंट है, तो वो सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं, जैसे जैसे आएंगी अब उसका निवारण करेंगे। सर, जिस तरीके से बोला जाता है कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि पुरुष प्रधान पुलिस स्टेशन होने की वजह से नहीं पहुंच पाती है, तो क्या शहर में ऐसी पुलिस स्टेशन की भी जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चलाए और पूरा स्टाफ महिलाओं का हो? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि आज जो है हमारे पास में लगभग 20-25-30% तक महिलाएं जो है पुलिस स्टेशन पे है, तो वो महिलाओं की बड़ी, और उसमें अधिकारी भी है, जैसे आप देखेंगे जॉइंट सीपी से लेके डीसीपी और पुलिस स्टेशन में पीएसआई और पुलिस स्टेशन में पीआईज भी उसको हेड कर रहे हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा, तो मान कपूर है जैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है और सबको न्याय मिलता है। और जो महिला, अगर उसको कोई पर्सनल मैटर होता है तो उसके लिए महिलाएं से वो बात करती हैं और उसके खुल के अपनी बात बता सकती है। सर, कहा जाता है पुलिस स्टेशन 24 घंटे शुरू रहता है, उसके बावजूद भी आज शिविर लेने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या पुलिस स्टेशन में जो लोग आते हैं उनकी शिकायतों के ऊपर में अमल नहीं किया जाता, जिस वजह से शिविर लेने की यह जरूरत है? मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि कुछ कंप्लेंट, जैसे अब पिछले दिनों में बंदोबस्त बहुत सारे थे, तो उसमें जो है सब लोग इलेक्शन के रिलेटेड जुड़े हुए थे या फिर उसमें ड्यूटीज में थे, फेस्टिवल्स थे बहुत सारे, तो उसमें अगर कुछ लोगों की तकरारें रह गई हों, उन सबका जल्दी से जल्दी निवारण हो, ये इसके पीछे हेतु है। और अगर लोगों को ये लगता है, क्योंकि हमने बहुत पब्लिसिटी दिया था कि सब वरिष्ठ अधिकारी आज फील्ड में रहेंगे, तो उसकी वजह से भी कुछ मैटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उसको भी लेके आ रहे हैं लोग, तो ये एक विश्वास की बात है और ये लोगों को ये बिल्कुल लगना चाहिए, हमारे अधिकारियों को भी, हमें भी, और जो पब्लिक है उसको भी, कि अधिकार के साथ में वो आ सकते हैं और ये हमारी ड्यूटी है उनको सुनना, उससे काम करना। सर, हमारे चैनल के मार्फत कुछ एक जनता को एक आह्वान या मैसेज, इस तरीके के शिविर में जो आए हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं और आगे भी एक शिविर होने वाला है, उनके लिए आप? देखिए, हमने कई दिनों तक हमने प्रेस रिलीज दिया था, प्रेस में बोला था कि इस तरह की हमारा तकरार जो जिसकी हो वो आ सकते हैं आज 11 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद में भी आ सकते हैं, तो वो जो है मैं आपके जरिए सबको कहना चाहूंगा कि इस तरह से हम ओपन है, कोई भी कंप्लेंट हो आपकी, एरिया में कोई क्रिमिनल है जिसकी वजह से कोई कंप्लेंट हो, या बच्चे जा रहे हैं उसको आते जाते कोई क्रिमिनल या कोई इंसान जो उसको तकलीफ दे रहा हो या कोई भी मैटर हो, तो हमने उसमें अपनी तरफ से खुली कार्रवाई के लिए तैयार। तो आज हमने जानने की कोशिश की किस तरीके से इस शिविर का आयोजन किया गया है, किस तरीके से जनता की यहाँ पर की परेशानियां सुनी गई है। सीपी सर ने खुद आह्वान किया है कि कई लोगों की अगर परेशानियों का हल नहीं हो पा रहा तो उस तरीके के शिविर में जाकर के अपने परेशानियों का हल बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ में मैं अखिलेश भारद्वाज, इंडिया से न्यूज़, नागपुर।